हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फेवरेट वीडियो एक रिव्यू। सो गाइस, आज वेलकम 3 जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल मूवी का, इसका एक अनाउंसमेंट आया है। तो गाइस, हम इसको जल्दी से देखने वाले हैं और इसका रिएक्शन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जियो स्टूडियो से रोल नारियल वाला क्या भैया, अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, संजय दत्त, हर्षद वारसी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी। रवि रंजन भी, कृष्णा भी है, कृष्णा दाना राजपाल भी है। ओ उनका भी है, उनका और वो दिलेर भाई क्या होता है ना जी। आने जा लो बंद करो पाजी, क्या कर रहे हो यार पाजी, खुद का गाना ठीक से गाते नहीं हो। बेइज्जती, तगड़ी बेइज्जती। राहुल देव भी है, राहुल देव भी है। पहली बार हमारी इंडस्ट्री में एप्पल केला, तुम लोग अपना अपना लगे हुए। क्या बोला? अरे एप्पल केला नहीं भाई, उसको बोलते क्या बोलते हैं? अरे भाई जानता हूँ ना यार, वो इंस्ट्रूमेंट की आवाज जो मुंह से निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं। तुझे पता है? ओफो अंकल, क्या है? उसे एक के बेला कहते हैं। शर्म करो यार। रेडी, 1 2 3 4। समझेगी नहीं? हाँ हाँ समझे समझे, चल चल शुरू करते हैं सब साथ में। सीखो हम जैसे पुराने चावलों से सीखो। रेडी, 1 2 वेलकम 3। पर वालों की तो सगले भी नहीं आ रही पूरी पूरी। बड़ी कॉस्ट्यूम जो वाला कौन होगी दादालों में दिख रही है। डॉक्टर यहाँ कान अल्लाह रहे मन में ये बाकी बागी बना दे बन गई इनने हीरो बंदी टू बनाई थी अभी। तो मतलब काय को भाई साहब कॉस्ट कितने जिग्गे में कितने थे? अक्षय कुमार, संजय दत्त, अरे बहुत है यार, हर्षद वारसी, सुनील शेट्टी, परेश रावल, तो और, इतनी बड़ी कास्ट लगी है और तो मतलब राजपाल यादव और कीकू जारदा, कृष्णा दुधे, अरे बहुत है यार, कब तक नाम लेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैकलीन, दिशा पाटनी और एक लड़की और थी कोई, रवीना टंडन और एक और थी चौथी कोई, उसका नाम नहीं मालूम। और वो एक लगान वाला आदमी था, वो लगान था। और वसूली भाई भी है, वसूली भाई भी है। कितने और मिक्का सिंह भी है, मिक्का, दलेर मेहंदी। अरे यार कितने भाई साहब, 18 तो गिन लिए मैंने। राहुल देव हैं, 19 हो गए लो, अल्लाह और दो चार औरतें वो उनकी जगले नहीं, उनकी जगले ही नहीं रहोगी तो। मतलब इतनी बड़ी कास्ट ली है इन्होंने तो, जो कितना बजट है फिल्म का? मूवी का 300+ करोड़ बजट है।
300+ बजट है इसका, तो ये अब इसको हिट होने के लिए कम से कम 500 करोड़ चाहिए और क्या। और ये मूवी तो बनने से पहले, शूटिंग शुरू होने से पहले फ्लॉप हो गई। मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं, ये पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं या तो तुम फिल्म बहुत बढ़िया बना रहे हो एकदम कमाल, नहीं कोई मतलब छाया एकदम प्रिया दर्शन इतनी लंबी कास्ट में बनाएगा तो समझ में आती है वो बना सकता है। अहमद खान जितने भी मतलब अभी तक कॉमेडियन है सारे कॉमेडियन ले लिए तुमने, और फिर तुम सोचो कि उसको उसे उनसे कॉमेडी कराने की सोचो और करा पाओ नहीं, क्या फायदा। स्क्रिप्ट की डिमांड है तो तुम 50 लो, लेकिन अहमद खान संभाल ले वो तो देखी जाएगी क्या क्या बजड़ मचाएगी। तो गाइस ये तो हमारा रिएक्शन वेलकम 3 का। तो गाइस आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी ऐसी रिएक्शन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए।